तो हेलो बडीज, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज हमारा कॉलेज में आखिरी दिन है। आखिरकार हम सभी ग्रेजुएटेड हो गए हैं, तो हमारे कुछ दोस्त कॉलेज के पास आके खड़े हैं। ये हमारा कॉलेज है, विद्यासागर कॉलेज। चलिए आपको बैक कैमरा करके दिखाता हूँ। ये हमारे कॉलेज का सामने का गेट है। कॉलेज काफ़ी बड़ा है, बट यहाँ पे एक तरफ से जाने का है, दूसरी तरफ से निकलने का। कोरोना के बाद से पहले ये दोनों ही तरफ मर्ज था, बट अभी अलग अलग हो गया है। विद्यासागर कॉलेज की अगर हम बात करें तो ये बॉयज़ और गर्ल्स दोनों ही है। तो चलिए अपने कॉलेज में जाते हैं और देखते हैं कि रिजल्ट हमको मिलता है और हमारा परसेंटेज कितना आया है, क्योंकि कोरोना की वजह से तो सबको अच्छा ही नंबर मिला, बट हम लोग का फोर्थ सेमेस्टर हम लोग ऑफलाइन दिए थे, फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर हम लोग ऑनलाइन दिए हैं। तो देखा जाए कि ओवरऑल परसेंटेज कितना होता है और हमारे कौन कौन दोस्त कॉलेज आए हुए हैं। ये हमारे कॉलेज के पास कुछ छोटे छोटे स्टोर्स हैं। कॉलेज के पास बेसिकली रहता ही है, कुछ खाने के लिए है, कुछ कपड़े के। और ये है हमारा कॉलेज का रास्ता, जिस तरफ से हम लोग इंटर करते हैं। ऊपर दिख रहा होगा विद्यासागर कॉलेज, मतलब मेन रोड की तरफ से इस तरफ। काफ़ी बड़ा कॉलेज है और बहुत लोग अपना रिजल्ट लेके जा चुके हैं, तो इसलिए आपको उतना भीड़ दिखेगा नहीं। और सबको अलग अलग दिन बुलाया गया है, ये भी रीज़न है भीड़ ना होने का। ये जो खुला हुआ है खिड़की, हम लोग का यूनियन रूम है। ये हम अपने कॉलेज में एंटर करते हुए, ये सभी थर्ड ईयर के स्टूडेंट अपने रिजल्ट्स लेने के लिए आए हुए हैं। सारा क्लासरूम बंद है, कोरोना की वजह से बंद करके रखा गया है, इस वजह से हम अपने क्लासरूम्स में नहीं जा पा रहे हैं। वैसे भी अपना लास्ट डे है कॉलेज का, तो जितना हो पाएगा उतना क्लिप ले पाएंगे, क्योंकि चारों तरफ लॉक करके रखा गया है। और नीचे भी दादा लोग जो थे वो बोले कि, मतलब जो हम लोग बंगाली में भैया को दादा बोलते हैं, तो वो लोग मतलब बोले कि कॉलेज में ज़्यादा फोटो वोटो क्लिप मत करो। इसी वजह से ये ब्लॉग छोटा ही बनेगा, देखते रहिएगा कि लास्ट डे कैसा हम लोग का जाता है। दोस्तों फाइनली हमारा रिजल्ट मिल गया और हम सभी हो चुके हैं ग्रेजुएटेड। ये हम ओल्ड बिल्डिंग से न्यू बिल्डिंग की तरफ जाते हुए, ये सारा हम लोग का क्लासेस था, जो कि अभी खिड़की बंद है। ये हमारा कंप्यूटर जहाँ पे सिखाया जाता था, कंप्यूटर के बगल में ही कैंटीन है हम लोग का छोटा सा, और वो आपको पिंक रंग का दिख रहा होगा, वो वुमेंस कॉलेज है। ये हम लोग का कंप्यूटर का है, ये हम लोग का कैंटीन। ये हम लोग इस ओल्ड बिल्डिंग में थे, और ये आगे न्यू बिल्डिंग है। न्यू बिल्डिंग के पास एक छोटा सा जगह जहाँ पे हम लोग क्रिकेट या कुछ खेलते थे। ये वुमेंस कॉलेज, न्यू बिल्डिंग की तरफ कुछ होने नहीं, तो ऐसे लॉक है। और ये छोटा सा ग्राउंड दिख रहा होगा, इस पर हम लोग खेलते थे क्रिकेट या फुटबॉल या कुछ। कॉलेज बंद होने की वजह से उधर जाना अलाउ नहीं है अभी, लास्ट डे में अपना सेल्फी लेते हुए। हर दोस्त रूपेश राय भाई, भाई हम लोग का लास्ट, मतलब मेरा लास्ट है, इसका तो अभी भी एक सेम बाकी है, क्योंकि इस कोई वजह से एग्ज़ाम नहीं दिया था, ये छूट गया था, इसी वजह से इसको फिर से देना होगा जो सिक्स सेम होगा उसके साथ। हम और दिलीप भाई का भी हो गया है, मेरा हम आखिरकार सीयू से हम पास आउट हो गए हैं, वो भी हम लोग का जितना भी था सबका अप्रॉक्स 60+, मतलब हम लोग जितने भी थे सबका अप्रॉक्स 60+ ही नंबर है। तो 60% से सीयू में पास आउट करना बहुत बड़ी बात होती है। सीयू में हम लोग का जो सीयू बोर्ड है वो वन ऑफ द टफेस्ट बोर्ड माना जाता है, अगर सीयू में आप 60% से पास करते हो तो बहुत बड़ी बात है। वो अलग बात है कि कोरोना की वजह से कुछ नंबर्स भी एक्स्ट्रा मिला है, तो जो भी हो हम लोग पास हो गए। तो हमारा कॉलेज का सफ़र यहीं से ख़त्म होते हुए, वी आर ग्रेजुएटेड और हम विद्यासागर कॉलेज से निकल चुके हैं। बहुत ही खूबसूरत यादें थी, भले ही थोड़े से टाइम के लिए थी, लेकिन खूबसूरत तो बहुत थी, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से कॉलेज वॉलेज बंद था, जब खुला हुआ भी था तो उतना जाते नहीं थे। आप सभी का ब्लॉग में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।
याद आएंगे ये पल पल ये है प्यार के पल चल